म्युनिसिपैलिटी लोगों ने पहले तो नहीं कहा, बाद में मरने के बाद करना ही पड़ता है। उसने उसका 1,00,000 रुपया पूछा कि तेरे माँ का संस्कार करके और राख निकालने के लिए। उसने 1,00,000 रुपया भेज दिया, माँ का संस्कार म्युनिसिपैलिटी लोगों से हो गया और वहां बैठा। आज भी राख वैसे ही पड़े है, वो आने वाला ही है। अभी इस प्रकार का संस्कार किस लिए होता है? जो बेटा अपने माँ का संस्कार न कर सके वो पैसा किस काम का? जो अपने माँ को नहीं दे सके वो संस्कार किस काम का? आज की स्थिति ये हो गई है। हम माँ बाप भी बहुत रहने पर भी हमें और भी पैसा के लोभ होने के कारण बेटे को अमेरिका भेजे और उसका हमने फल भोगा। हमारा लोभ कहो या उनका लोभ कहो, ये सारी चीजें चल रही है। वही प्रभु रामचंद्र जी जहां गए विश्वामित्र के साथ भेजे और कुल गुरु वशिष्ठ थे, तो वशिष्ठ जी को पूछा गया कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि उनको उनके साथ भेजना है, उनको उनके यज्ञ में राक्षस मरीच आदि कर्टका आदि लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसके वो राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते। दशरथ ने कहा प्रभु मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 14 साल के, उनको क्यों ले जाना चाहते? तो विश्वामित्र ने कहा कि तू भेजेगा या मेरा विरोध करेगा ये बात बता दे। वशिष्ठ कुलगुरु थे, उनको पूछा गया कि बेटे को विश्वामित्र पूछ रहा है कैसा करे। अरे वो बाप वो क्रोधित है, मेरे ही सब बच्चों को उसने खत्म किया, वो क्रोध हो गया तो इनको भी खत्म करे, तेरे को भी खत्म करेगा, जो पूछता है उसको दे दे। कुलगुरु ने कहा कि तुम उसको जाने दे। तब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चले गए। विश्वामित्र गए वहां, जो भी कार्य हुआ त्राटकादि को उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र सारी विद्याओं का बतिया भला अति भला विद्याओं को उनको प्रदान किया और राक्षसों को मार के उनके होम हवन का कार्यक्रम हुआ। वहां से आते समय विश्वामित्र ने राजा जनक का स्वयंवर का वो घटना सुनी और वो स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए। उन्हें भी तो ज्योतिष ज्ञान था कि राम की पत्नी कौन होने वाली है क्या है। वो विश्वामित्र को विश्वामित्र राम और सीता राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी गए। आपको बाद में सभी को पता है सीता जी से विवाह हुआ। मैं यहां आपको ये बात यहां विशिष्टता से बोलना चाहता हूं। कुल गुरु वशिष्ठ थे और शादी हुई विश्वामित्र जी से, दूसरे गुरु से। आप भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के सजेशन में चले जाते हैं, बाद में रामचंद्र जी को सीता के साथ वनवास भोगना पड़ा 14 साल। क्यों? कि कुल गुरु के बात को छोड़कर दूसरे गुरु के पास चले गए। हम गुरु को बदलते रहते हैं क्षण में और हमारे को वनवास भोगना पड़ता है। वनवास भोगने के कारण रामचंद्र जी को ही नहीं चुका तो तुम्हें क्या चुकेगा? गुरु बदलना, देवताओं को बदलना, ये हमारा तुम्हारे एक क्षण के लिए तुम्हारे लिए कोई गुरु आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम जो पूछते हो दे देगा, लेकिन वो चिरस्थाई नहीं होगा। चाहे घर हो दार हो कुछ भी हो, स्थाई रूप से तुम तुम्हारे जीवन में जीना चाहते हो, तुम्हारे घर में नौकरी हो किसी भी तरीके अस्थाई रूपता ना हो, तुम्हारा खेत हो बाड़ी हो तुम्हारा घर हो, तो तुम स्थाई रूप से स्थिर रूप से तुम्हारे घर में लक्ष्मी रहना चाहती है, लक्ष्मी रहेगी ऐसा चाहते हैं, तो कुल देवता और कुल गुरु की आप निश्चित रूप से पूजा करनी चाहिए। उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और वो वंश और वो श्रेष्ठता कभी भी बनी रहेगी। यह उदाहरण है, ये ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि ये सारी चीजें होती चली गई। अब आप जहां कहीं भी आप आते रहो, पांडवों के घर में वनवास में क्या हुआ? पांडव पुत्र हुए, धृतराष्ट्र हुए, महर्षि व्यास आए, ये सारी चीजें हुई। ये व्यास महर्षि की कृपा से पांडवों के घर में पुत्र हुए और दुर्वासा की कृपा से कुंती ने कोई मंत्र लिया और पांडव और कर्ण का जन्म हुआ। व्यास महर्षि की कृपा से कौरवों को धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, लेकिन क्या इनका उद्धार हुआ? ये युद्ध में चले गए, क्यों चले गए, किस लिए चले गए? अगर हम इसका विचार करें तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। व्यास महर्षि कुलगुरु हुए, उसके बाद पांडवों के लिए श्री कृष्ण सब कुछ हुए। श्री कृष्ण ने कहा श्री कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा और वो चलते रहे और आखिर में क्या हुआ? पांडवों के 5 उप पांडव भी मारे गए। क्यों मारे गए? क्यों मारे गए? कि उनका उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला केवल एक अर्जुन का दूसरा बब्रुवान का पुत्र था, लेकिन द्रौपदी से उत्पन्न हुए पांडव मारे गए, अश्वत्थामा ने उन्हें मारा, आप ये भी जानते हैं। यहां मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जहां कुल देवता की पूजा की वहां अस्थिरता आ गई, जीवन के स्थिरत्व नहीं रहा। बाद में उनका वंश चला, उन्होंने परीक्षित को उनके वंश में वो जिस तरह भी पुत्र पोत्र हुए और पांडवों का खान उतना बड़ा खानदान ऐसा चला गया और उधर कौरवों का तो पूर्ण रूप से युद्ध में नाश हो गया और बहुत सारे राजाओं से। यह कुलदेवता की पूजा का जहां काम नहीं हुआ, कुलदेवता को जहां नहीं माना वहां कार्य नहीं हुआ ना उस स्थिरता रही। आज भी श्री कृष्ण का वंश चलता है तो यदुवंश यादव लोग आज भी है, क्योंकि कृष्ण के बाल मुंडन के लिए भी अंबाजी के पास गए थे। गुजरात के लोग जानते हैं उनका कुलदेवत है, वहां अंबाजी में जाकर कृष्ण ने अपने बाल मुंडवाए थे जो कुलदेवत की पूजा करते हैं। मथुरा कहां था और कहां कुलदेवत, आज भी वो उनका वंश चल रहा है।
आज आप रामचंद्र जी के वंश को ले लो, उनके बाद रामचंद्र जी के बाद लव कुश हुए, लक्ष्मण के पुत्र हुए, सभी लोगों को एक एक को सभी लोगों को संतानें हुई। और आज भी आप अयोध्या में जाते हैं तो जो रामचंद्र जी रहते थे उन घरों को आज भी बताया जा रहा है। रामचंद्र जी के लिए आज भी हम झगड़ रहे हैं, आज भी राम और लक्ष्मण का घर है, आज भी वहां। आज कितने साल हो गए, हजारों, अगर हमारे शास्त्र के अनुसार तो हम लाखों वर्ष कहेंगे, लेकिन अगर पूरा वस्तु शाखा को बोलेंगे कि 5000 साल से ज्यादा नहीं ऐसा कहेंगे, आज भी रघुवंश का राजा का घर आज अयोध्या में है, जहां अयोध्या नाथ की पूजा हुई, जहां अयोध्या नाथ यानी उनके कुलदेव थे उसकी पूजा हुई, जहां कृष्ण के घर में ये दोनों चलता है, रघुवंश चलता है और रघु काल चलता है। जहां कुलदेव की पूजा चली गई वहां उसका उद्धार नहीं हुआ, कुल देवी या कुल देवता का उद्धार। आज बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, अगर किसी को पूछा जाए वो तुम्हारा कुलदेव क्या है, हमें क्या मालूम, हमारे बाप दादा का नाम नहीं मालूम कि पांचवी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में कौन था, कुल देवता की बात करते हैं। गुरु जी हमारे बाप दादा कहाँ थे ये भी पता नहीं, हम आकर मुंबई में बस रहे हैं, हम आकर नागपुर में बस रहे हैं, हम आकर कहीं बस रहे, ये बात कह देते हैं, हमें पता नहीं कि उनका कुलदेव कौन था। इसलिए आज कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा कहता हूं वो अगर 40 साल भी अपनी प्रॉपर्टी बिका ले तो मैं समझता हूं उसके ऊपर कोई कृपा है देवता की। 40 साल भी नहीं होते वो घर बेच देता है, अपना बेटा उसका बेटा खत्म हो जाता है, उसका उसकी माँ खत्म हो जाती है, क्या कारण था, क्या कारण हुआ। हम नौकरी के माध्यम से हो और किसी माध्यम से हमारे उस बस्ती को, उस गांव को, उस घर को हम छोड़ दिए, हम आगे चले गए और हमने हमारे कुल देवता उठे। कुल देवता का अर्थ मैं बार बार बता रहा हूं, जिस देवता के कारण हमारा वंश बढ़ा, कुल देवता बढ़े, हमारे को पति का प्रेम नहीं मिला, पत्नी का प्रेम नहीं मिला, माता पिता का प्रेम नहीं मिला, ये कब होता है, जब हम कुल देवता को छोड़ दिया। और जिसके घर में कुल देवता की पूजा हुई वो इन सारे प्रेमों को प्राप्त करता हुआ हजार कम से कम 9-10 पीढ़ियों तक तो वंश चलता है और उसके वंश चलने की क्रिया होती है। और ये वंश जब तक चलता है वो सुखी वंश होता है, उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, जायदाद हो या घर हो, पीढ़ियों तक चलते रहता है। यह कार्य करने के लिए मैं इस बात को आज इस दिन को इसलिए बता रहा था, राजा भोज ने आज की इस ग्रहण के पहले दिन ही उनके गुरु से यह कुल देवता की पूजा करवाई थी। यह उज्जैन की बात कह रहा हूं मैं, और आज वो मुहूर्त आया है। मैं चाहता हूं कि आप भी आपके घर में आपके बच्चों से, आपके नौकरी से परेशान है, मेरा नौकरी का क्या होगा, कल क्या होगा, यानी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भी परेशान है, विद्या प्राप्ति के लिए भी परेशान है, संतान के लिए भी परेशान है, पति पत्नी के गृहस्थ सुख के लिए भी परेशान है। इस प्रकार की परेशानियों से अगर आप अपने जीवन में दूर होना चाहते हो और आपको कुलदेवता मालूम नहीं है, कुलदेवता कौन से है मालूम नहीं है, कुलदेवता की पूजा नहीं हुई है, तो मैं संक्षिप्त रूप से वह पूजा, वह साधना जिसने उस कुलगुरु को कहते हुए महाकाल की स्थापना हुई राजा मांधाता के उज्जैनी में, वो साधना आपको देना चाह रहा हूं, जो साधना मैं भी करता हूं और आप भी। आज का दिन बहुत श्रेष्ठता के साथ कहा गया है, उसमें 3 नारियल लिए जाते हैं, 3 नारियल एक पितृ रूप से होता है, एक देवता रूप से होता है और एक कुल देवता का, जिसमें एक हल्दी से भरा नारियल होता है, एक कुमकुम से भरा नारियल होता है, एक भस्म से भरा नारियल होता है। उसमें कुल देवती का उस नारियल को जो लोग अपने घर में 3 दिन, 1 दिन या 11 दिन से आज पूजा करके उस कुल देवता का अपने घर में नारियल को रखते हैं, आप स्वयं अनुभव करके बताएंगे कि आपके जीवन में अस्थिरता नहीं है। अस्थिरता का मतलब होता है पैसा नहीं रहना, नौकरी के लिए हम परेशान होना, अपने माँ बाप का प्रेम, अपने पति पत्नी बच्चों का प्रेम नहीं होना, ये सारी चीजें जहां होती है, जहां आपको अनुभव हो रहा है कि मैं इसको प्राण नहीं, और अपने को कभी भी डर भय रहना कि मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, जो बाहर गया हुआ है वो ठीक आएगा नहीं आया, नहीं तो घर में ऐसी बीमारियां जो कभी कम नहीं होती, और बीमारियों को भी पैसा खर्च होता है। ऐसे जीवन में अगर आप जी रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा है, तो निश्चित रूप से समझो आपके ऊपर कुल देवता का प्रकोप है। आज इस दिन ये श्रेष्ठता तुम्हारे जीवन में, आपके बच्चों में, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चों को पुत्र संतान नहीं हो रही है, बच्चों को संतान नहीं हो रही है, पति पत्नी का सुख नहीं है, पत्नी दूर है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, या आपके घर में ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कभी कम नहीं होती और आपके घर में रोग आदि है, तो निश्चित रूप से कहता हूं कि आप इस कुल देवता की साधना करो और आप स्वयं अनुभव करो कि आपके घर में जो कमी है, पैसों के माध्यम से हो या संतान के माध्यम से हो या सुख के माध्यम से हो, धन धान्य के माध्यम से हो, आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इस केवल नारियल को आप कुछ दिन, 40 दिन आपके घर में रखे, नदी में प्रवाहित करके कुलदेवी का स्मरण करें और आपके कुलदेवी का घर में स्थापन हो जाएगा। केवल मैं जो कुलदेव का मंत्र बोलता हूँ, उस मंत्र कोई भी घर का मालिक हो या घर का आदमी हो उसका मंत्र बोलता है तो वो कम से कम इस जीवन में तो सुखी होगा ही होगा, लेकिन अगले 7 जन्मों तक उसे कभी
अपने पति से बिछड़ने की या अपने पुत्रों से बिछड़ने की या उस असत की उस दुख की बात उसके जीवन में नहीं होगी। ऐसे कुलदेव की कुलदेवता की साधना जो उज्जैन महाकाल में ये पहले साधना करते थे उस साधना को मैं आपको दे रहा हूं।